हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1-7 क्वेश्चन कर चुके, आज 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है, हमें सेल्स बुक बनानी है और साथ में उसके लेजर भी बनाने हैं। देखो ये बना दिए, डेट पर्टिकुलर, उसके बाद ये डिटेल, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट की जगह बस यहाँ सेल्स वैल्यू आएगा। अच्छा, सेल्स बुक भी लगभग ऐसे ही बनती है जैसे परचेज बुक बनती थी। इसमें क्रेडिट सेल्स आएगी और वो भी किस चीज़ की, जिस चीज़ का वो बिजनेस करता है यानी कि गुड्स की। असेट सेल कोई होगी तो वो नहीं आएगी। पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन को रीड करो। जिस चीज़ की वो बार बार जो है फ्रिक्वेंटली उसके यहाँ सेल हो रही है तो वो उसकी गुड्स है, और कोई उससे हटके आ गई तो वो उसकी असेट्स है। देखने से ही पता लग जाएगा कि वो किस चीज़ का डीलर है। जैसे अब हम 8th क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, आप क्वेश्चन को देखो। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ गुप्ता एंड कंपनी कोलकाता हु डील्स इन फर्नीचर। क्लियर बता दिया, ही इज ए फर्नीचर डीलर। फर्नीचर के अलावा वो कोई भी चीज सेल आउट करेगा, इट इज ट्रीटेड एज असेट्स, और वो सेल्स बुक में नहीं आएगी, वो प्रॉपर जर्नल में चली जाएगी। अब जरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या आ रही है। लिखा है 2022 January 5th सोल्ड ऑन क्रेडिट टू हरी एंड कंपनी कोलकाता। क्रेडिट में सेल करा है, वैसे भी नेम था तो क्लियर पता है कि क्रेडिट सेल है। कहता है 10 tables एट द रेट ऑफ 1100 each, उसके बाद 20 chairs एट द रेट ऑफ 1000 each। दो चीज़ें सेल करी हैं और साथ में आपने चार्ज करा है उनसे CGST और SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले डेट की बात करो, जनवरी 5th, तो यहाँ तो लिख दो आप 5th January। यहाँ पर अब आप जो उसका नाम लिखते हैं, हरी एंड कंपनी कोलकाता। लिखो हरी एंड कंपनी कोलकाता। चलो जी, क्या चीज आपने परचेज करी है वो क्वेश्चन में मेंशन है। 10 tables एट द रेट ऑफ 1100 each, 10 tables लिख दो यहां पर, 10 tables एट द रेट ऑफ 1100 each, यानी कि कितने की है ये, 1100 की। अच्छा, ये इनवॉइस नंबर को हमने ऐसे लिख दिया, आपने लिखना नहीं है, आप थोड़ा ब्रॉड बनाना, हमारे पास स्पेस कम था इसलिए हमने छोटा बनाया है। वहां पर आप पूरा ऊपर ही लिख देना इनवॉइस नंबर, लिखना इन दोनों में हमने कुछ नहीं है, ना एल एफ में ना इनवॉइस नंबर में। अब ये मल्टीप्लाई करो तो 11000 हो गया। उसके बाद इसी से फिर परचेजिंग हो रही है, 20 chairs एट द रेट ऑफ 1000 each, 20 chairs लिख दो एट द रेट ऑफ 1000 each, तो ये कितने की बन गई आपकी, 20000। टोटल करते हैं तो 31 आ गया, तो बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, इसी के ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू ये लिख लिया करो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो 31 निकला, 31 कहां से निकला, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 31 बना, यानी कि हमने हरी एंड कंपनी से 11000 और 20000 रखी हैं, टोटल कितने की हो गई, 31। इट इज टैक्सेबल वैल्यू और इसके ऊपर अब आप चार्ज करो उससे, क्या चीज चार्ज करना है उससे, CGST और SGST दोनों चार्ज करने हैं। ऐड कर दो यहां, ऐड आउटपुट CGST एट द रेट ऑफ 6%, और यहाँ लिख दो आउटपुट SGST एट द रेट ऑफ 6%। दोनों के ऊपर 6-6 है तो 1860 आएगा, आप करोगे तो ये भी 1860 और ये भी 1860। अब इनका टोटल करते हैं, ये इसका टोटल करते हो आप तो ये 34720 आ रही है वैल्यू, यानी कि टोटल हमने हरी एंड कंपनी से कितना कलेक्ट करना है, 34720। अब इसको यहाँ पर अलग अलग स्प्लिट करो, इसी के सामने लिखते हैं, 31 की तो हमने सेल करी थी उसको गुड्स की, 1860 हमने एक चार्ज करा, 1860 एक चार्ज करा, ये कुछ नहीं है, और 720 है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्लोज करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगी क्लोज करते जाएंगे। चलो जी, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने आ गई है, January 10th। कहता है सोल्ड टू मैसर शर्मा एंड कंपनी दिल्ली ऑन क्रेडिट 5 almira एट द रेट ऑफ 5000 each, 5 stool एट द रेट ऑफ 1000 each। हमने शर्मा एंड कंपनी को सेल कर रखा है दिल्ली को। यहाँ पर सबसे पहले तो उसका नेम लिख देते हैं, लिख दो यहाँ पर शर्मा एंड कंपनी दिल्ली। क्या चीज सेल करी है उसको, वो भी यहां मेंशन करते हैं, 5 almira एट द रेट ऑफ 5000 each, 5 almira एलमीरा एट द रेट ऑफ 5000 each, कितने की हो गई, 25000, लिख दो 25।
इसके बाद दूसरी क्या चीज परचेज कर रखी है, 5 stools हैं एट द रेट ऑफ 1000 each, 5 stools एट द रेट ऑफ 1000 each, तो कितने के हो गए ये 5000। अब इनको टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो निकल गई आपकी 30000, दोनों को ऐड करो और इसके सामने लिख दो अब आप टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर जो है आईजीएसटी दे रखा है 12%, तो आईजीएसटी ऐड कर दो, ऐड करो यहां पर आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, कितना बन गया 36। अब इसका टोटल कर देते हैं, चलो जी अब इसका टोटल कर दो, टोटल बन गया आपका 33,600। और अब इसको स्प्लिट करके यहां दिखाओ, सेल्स वैल्यू तो उसकी थी 30, लिख दो 30, उसके बाद 36 क्या लगा था आपको याद हो, आई ये 3600 हो गया और ये 33,600, यहां तक क्लियर हुआ। अब जो ट्रांजैक्शन आ रही है बड़े ध्यान से देखते हैं, कहता है सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर, ये ही जे फर्नीचर डीलर, ये फर्नीचर डीलर है और क्या चीज की सेल कर रहा है टाइपराइटर, इट विल नॉट कम, तो आप फुटनोट नीचे दे देना ये सेल्स बुक में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये असेट्स की सेल है, सेल्स बुक में किस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है हमने, बस जिस जो गुड्स होगी, और वो किस गुड्स कैसे पता चलती है, जिस चीज का वो डीलर होगा, डीलर किसका है वो फर्नीचर का, तो जो फर्नीचर से रिलेटेड सेल होगी और वो भी क्रेडिट में वही रिकॉर्ड होगी, यहां कोई भी कैश में सेल है तो नहीं आएगी, यदि उसने जो है कोई असेट सेल आउट कर दी वो भी इस बुक में नहीं आएगी, तो यानी कि 20 जनवरी की में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आगे 25th पे आ जाएं, 25th में लिखा है सोल्ड टू मैसर सोहन लाल एंड सन्स, सोहन लाल एंड ब्रदर्स कोलकाता, 5 tables एट द रेट ऑफ 2500 each, 1 revolving chair, दोनों फर्नीचर से रिलेटेड आ जाएंगी, और इन पे चार्ज कर रखा है CGST SGST। तो जरा करते हैं जी, उनका नाम लिखते हैं यहाँ, जनवरी डेट डाल दो यहाँ पर 25th, मैसर सोहन लाल एंड ब्रदर्स कोलकाता, मैसर्स क्या चीज की सेल है वो चेक कर लेते हैं, एक तो 5 आपने टेबल कर रखी है एट द रेट ऑफ 2500 each, 5 tables एट द रेट ऑफ 2500 each, कितने की होगी 12,500, और उसके बाद एक रिवॉल्विंग चेयर है, कितने की है 5000 की, तो यहां लिख दो 1 revolving chair द रेट ऑफ 5000 each, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि एक ही चेयर परचेज करी, एक ही रिवॉल्विंग चेयर ली सेल करी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 5000 आ जाएगा। अब इसका टोटल कर देते हैं और फिर पूरे का करते हैं, लिख दो 17,500 आ गया, और यहां आप जो है इसके आगे लिख लो टैक्सेबल वैल्यू, ये टैक्सेबल थी, टैक्सेबल वैल्यू, और उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं आप जो आपने GST से चार्ज करें, CGST का रखा है और IGST का रखा है, दोनों चार्ज कर दो, ऐड एट द रेट ऑफ 6%, दोनों ही 6% दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो इसका 6% कर दो, वो बनेगा 1050, इसका भी जो बनेगा 1050। अब इसका टोटल करते हैं, अब ये टोटल करते हो तो 19,600 आ गया, ये चीज क्लियर हो गई, ये तो हमारा सोहन लाल एंड ब्रदर्स का आ गया 19। अब इन सब इसको स्प्लिट करते हैं एक बार, पहले ये देखो 17,500 इस कॉलम में लिखो, जो सेल्स वैल्यू थी 17,500, इस पर कितना लगा था 1050, इस पर भी कितना लगा था 1050, ये लगानी था और टोटल बन गया था 19,600, यहाँ क्लियर हो गया। अब इनके टोटल करते हैं, ये तो हमारे बन गए जो थे टोटल, चार ट्रांजेक्शन थी, एक आनी नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि वो असेट्स परचेज है, इस बुक में कौन सी रिकॉर्डिंग होगी, ओनली क्रेडिट सेल, और वो भी कौन सी, जिस चीज की वो ट्रेडिंग करता है, जिस चीज का बिजनेस है, जिसे गुड्स बोलते हैं, कैश सेल्स भी नहीं आएगी। अब एक बार इसको क्लोज करते हैं फिर आगे चलते हैं, पर जो है टोटल लिखते हैं जो आया, इन सब का टोटल जो आया है। अब ये देखो यहां से शुरुआत करेंगे, इन तीनों और टोटल करते हैं 78,500 बनता है, ये तो 78,500, ये चीज क्लियर है। ऐसे अब सेकेंड नंबर है आउटपुट CGST 2910, 2910, ये भी 2910, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों की फिगर सेम है तो दोनों का टोटल भी सेम बनेगा, वो बनता ही 3600 है, उसमें तो आइटम ही एक है, तो वो 3600 लिख दो, क्लियर हो रहा है। अब उधर का टोटल करते हैं तो 87,920, ये चीज क्लियर हो गई।
तो ये हमारी अब जो है सेल्स बुक कंप्लीट हो गई। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, सारी ट्रांजैक्शन लिखी, अलग अलग उनको स्प्लिट करके दिखाया कि कितनी सेल वैल्यू है, कितना जीएसटी लगा था, फिर जितनी भी उसके साथ ट्रांजैक्शन हुई, आपने जितनी एक ही पार्टी से नहीं डिफरेंट पार्टियों से ट्रांजैक्शन, उन सबका टोटल करा कि टोटल आपने कितनी क्रेडिट में सेल कर रखी है, इतने की कितना चार्ज कर रखा है एसजीएसटी, इतना ये सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी, ये आईजीएसटी, और टोटल मिलाकर कितना कलेक्ट हो गया 87,920। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके लेजर प्रिपेयर करते हो कैसे बनेंगे, जैसे हमने सेल बुक में सबसे पहले जो लिखा हुआ था पहले उसी का लेजर बना लो। सबसे पहले क्या लिखा था, हरी एंड कंपनी, आपने तो हरी एंड कंपनी का बना लेते हैं। डेट दे रखी थी आपको याद हो January 5th, तो January 5th लिख दो इसके आगे। यहां पर लिखो टू सेल्स अकाउंट, जितने की इसको सेल्स आपने करी थी, वैल्यू आपको पता है 31,000 की करी थी, लिख दो 31, और इससे फिर आपको आउटपुट सीजीएसटी था वो भी लिख दो, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट दोनों लगे थे हमारे, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो 6% हमने सेल्स बुक में बना रखा है 1860 वो लिख दो 1860, ये भी लिख दो 1860। और कुछ था ही नहीं अरे एंड कंपनी से, अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे कर देंगे, इन दोनों को टोटल करते हैं, टोटल जो बनता है आपका लास्ट में, तो ये 12 हो गया 1674, ये बन गया आपका 34720 34720 इधर का टोटल। अब इसी को उधर लिखते हैं, देखो क्योंकि आपको लेजर तो बनाना आ ही रहा है, कैसे बना रहे हैं, हमने लेजर करा था, जो लेजर के अंदर अकाउंट में है वो लिखो, जो क्रेडिट साइड है वो क्रेडिट में कुछ नहीं है तो जीरो, बैलेंस शीट ही निकालो, किधर निकलेगा जिधर कम रहेगा, इधर की साइड इतनी है उधर कुछ भी नहीं है तो जीरो हुआ, तो वो वाली कम है उधर निकलेगा बैलेंस शीट, या लिख दो एंड ऑफ द जनवरी 31st, या लिखो बाई बैलेंस शीट, ये चीज क्लियर हो गई। बैलेंस शीट कितना आ गया 34700। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, देखो जब भी लेजर बनाओ तो जैसे ही सीडी लिखो आगे उसको हाथ के हाथ फॉरवर्ड करो, डेट डाल दो यहां पर 1st February, और यहां लिख दो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना 34720। यहां तक क्लियर हो गया, ये तो बन गया हमारा हरी एंड कंपनी कोलकाता। अब अगली बारी आ रही है मैसर शर्मा एंड कंपनी की, तो यहां शर्मा एंड कंपनी पे आ जाओ, इसकी डेट थी आपकी 10 जनवरी, यहाँ लिख दो 2022 और जनवरी 10 लिख दो जी, टू करो यहाँ पर सेल्स, हमने इनको जो सेल्स करी थी 30,000 की करी थी याद करो शर्मा को, और इनसे आपने आईजीएसटी चार्ज करा था, यहाँ लिखो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 3600। अब इनका टोटल करो, और कुछ है ही नहीं शर्मा एंड कंपनी में, तो इनका टोटल कर देते हैं, टोटल करते हैं तो वो 33600 हो गया, लिख दो दोनों तरफ 33600। ये चीज क्लियर है, यहां पर भी डेट आप डाल दो, पहले तो ईयर लिख दो और यहां जनवरी, अब एंड में निकाल रहे हो तो 31st लिख दो, बाई बैलेंस 33600। यहां तक क्लियर हो गया, देखो एक ही ट्रांजेक्शन थी शर्मा एंड कंपनी से भी, वो भी पोस्ट हो गई। अब ये जो आपने सीडी लिखा इसको फॉरवर्ड करो आगे, यहां लिखो February 1st टू बैलेंस बीडी। हमेशा लेजर जब भी बनाओ कोशिश ये करो कि फॉरवर्ड जरूर करो बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लेजर में काम आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में काम आ जाएंगे अभी हमारे। यहां तक क्लियर हुआ, ये दो अकाउंट बन गए। अब तीसरा अकाउंट आपको आ रहा है याद करो, सोहनलाल एंड ब्रदर्स का, और फिर परचेज अकाउंट, टैक्स जीएसटी वाले तीनों एंड में बना लेते हैं। अब जरा वो वाला बना लेते हैं, आ गई अब मैसर सोहनलाल एंड ब्रदर्स कोलकाता, इनसे 25 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई हुई है। लिखो यहां पर टू सेल्स अकाउंट 17,500 था, याद करो हमने सेल्स बुक के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, और उसके बाद लिखो इनसे आपने आउटपुट करा था, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितना कितना था इसके ऊपर आपको याद हो 1050 बना था, और ये भी 1050। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है अभी, याद रखना। अब इसका टोटल कर दो आप, ये बनता है 19,600 इधर का, इधर भी फिर वही लिखना पड़ेगा आपको 19,600 आपको बताया। अब एंड ऑफ द मंथ आ गया तो 31st लिखो यहां, और यहां लिख दो बाई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट निकालना होगा अकाउंट
बैलेंस सीडी कितना आ गया 19,600। यहां तक क्लियर हो गया ये। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो 19,600 और यहां डेट डाल दो Feb 1st टू बैलेंस बीडी। ये चीज समझ आ गई या नहीं? बैलेंस बीडी 19,600। अब जरा बारी आ रही है सेल्स अकाउंट की। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि जो एक ही ट्रांजैक्शन थी उससे भी वो पुट कर दी हमने। अब जो सेल्स अकाउंट का टोटल आया था आप याद करो, वो टोटल अब आपको यहां लिखना होगा। और किधर लिखते हैं? वो क्रेडिट साइड में। यहां लिखो आप January 31st और यहां लिख दो 2200 एज पर सेल्स बुक और वैल्यू लिख दो कितनी आ रही थी 78,500 वो लिख दो। ये हमने अभी सेल्स बुक आपके सामने है, आप अपने नोट कर लेना, उसी के बेस पे बनता जा रहा है। अब इसको क्लोज करो और कुछ नहीं आ रहा। 78,500 लिख दो, इधर भी 78,500 और अब यहाँ निकालो बैलेंस सीडी। ये निकालो, डेट आप डालो यहाँ January 31st और यहाँ लिख दो टू बैलेंस सीडी और इसको आपके हाथ उधर फॉरवर्ड करो यहाँ Feb 1st और लिखो बाई बैलेंस बीडी 78,500। ये चीज क्लियर है? 78 है ये लिख देता हूँ मैं। ये लगे ये अब हमारे यहाँ तक तो ये अकाउंट बन गए। अब बनेंगे GST के, उसमें CGST, SGST और IGST तीन बच गए, तो तीनों को बना लेते हो। चलो जी अब बारी आ गई CGST अकाउंट बनाने की और IGST अकाउंट बनाने की। ये दोनों के बना लिए सेम कॉलम हमने, ये आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। चलो पुट करते हैं। सबसे पहले डेट जो आ रही थी आपको याद हो। अच्छा ये जो हम क्रेडिट लिखेंगे या डेबिट, ये भी समझाता हूँ। ये देखो जर्नल एंट्री पास करोगे तो क्रेडिट में लिखा था हमने। सबसे पहले हरी एंड कंपनी को किया था सेल, तो जर्नल एंट्री हम उसकी बनाए हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट CGST और SGST, दोनों ही क्रेडिट में लिखे हैं। तो जब भी लेजर बनेगा वो किधर लिखे जाएंगे? क्रेडिट में ही। नाम लिख दो यहाँ पर उसका, पहले तो फिफ्थ थी, यहाँ लिख दो बाई हरी एंड कंपनी। जितना दे रखा है उसकी वैल्यू लिख दो 1860। ये लो जी एक तो ये बन गया हमारा। इसके साथ फिर हमने इसको 25th को फिर कर रखा था सोहनलाल एंड ब्रदर्स को। जनवरी लिखो 25th और यहां लिखो सोहन लाल एंड ब्रदर्स 1050। थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो आपको ये डेट दे रखी थी 25th को, जब हमने उसको सेल किया था सोहनलाल एंड ब्रदर्स को। इन दोनों का टोटल करते हैं तो 2910 आ गया। क्लोज कर दो, कुछ हो रही नहीं। 2910 और आप बैलेंस सीडी निकाल दो। कौन सी डेट को? 31st को। यहाँ लिखो टू बैलेंस कैरीड डाउन और आप क्या थे इसको फॉरवर्ड कर दो आगे 1st Feb बाई बैलेंस बीडी बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना अमाउंट 2910। ये चीज क्लियर होगी? क्यों क्रेडिट किया ये भी याद रख लो। जर्नल एंट्री पास कर लिया करो, लेजर बनाना बड़ा आसान है। जब हमने हरी एंड कंपनी को सेल आउट करा देन वी पास एंट्री सेल, हमने क्या करा होगा? हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो अल्टीमेट क्रेडिट हो रहा है CGST, वी आर मेकिंग द CGST अकाउंट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लेजर में मैंने आपको ये सब सिखाया था कि कैसे हम इसे डेबिट करते हैं, जिस अकाउंट को बना रहे हैं। जर्नल में वो जिधर होगा, डेबिट होगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड। दोनों अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे देखा, तो दोनों क्रेडिट कर दिए। अब जरा इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर भी वही सेल कर रखी है आपने January 5th में ही। लिख दो January 5th बाई हरी एंड कंपनी क्योंकि अमाउंट सेम ही 6% है तो वैल्यू सेम थी। और फिर आपने January 25th को एक और कर रखी है, किसको? सोहनलाल एंड ब्रदर्स को। कितने की कर रखी थी? 105, बस दो ही थे ये। अब इन दोनों को क्लोज करते हैं, करते हो तो 2910 बनेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। लिख दो 2910 यहाँ बैलेंस शीट निकाल दो January 31st को यहाँ बैलेंस शीट। अब ये आगे Feb 1st में जाके बाई बैलेंस बीडी बन जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 2910। ये चीज क्लियर हो गई?
दोनों अकाउंट हमारे बन गए। अब तक हम 6 लेजर प्रिपेयर कर चुके हैं, अब लास्ट बन गया हमारा कौन सा, IGST, उसको और तैयार करते हैं। चलो जी अब IGST की बारी आ गई, IGST तैयार करते हैं आउटपुट। खाली एक ही से चार्ज हुआ था मैसर्स शर्मा एंड कंपनी से, डेट थी आपकी उसकी 10th, लिख दो यहाँ पर जनवरी 10th बाई करो या शर्मा एंड कंपनी कितना अमाउंट है 3600। ये क्लोज करो, कोई और एंट्री है ही नहीं तो बंद कर देते हैं लेजर को, अकाउंट को क्लोज करो, बैलेंस सीडी निकाल दो और टू बैलेंस सीडी, डेट डाल दो 31st और हाथ के हाथ इसको ट्रांसफर करो नेक्स्ट मंथ Feb 1st और यहाँ लिख दो बाई बैलेंस BD। आज 8th क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, इसमें हमने सेल्स बुक भी कंप्लीट कर ली और लेजर भी बना लिए। इसके अंदर कोई भी आपको डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।